जस पंजाबी देखते सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल और तुहाडा स्वागत प्रोग्राम हेल्थ प्लस विद डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज दे विच। ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव आ रहे हैं। ऑफकोर्स जिस तरह हर हफ्ते तुहाडे नाल जुड़ के तुहानूं वख वख ट्रीटमेंट्स बारे दसदे हां कि किस तरह तुसीं फिजिकल थेरेपी सर्विसेज नूं यूज़ करके अपनी सेहत नूं वधिया कर सकदे हो, अपनी शरीर नूं तंदुरुस्त कर सकदे हो। तो इस हफ्ते भी इहो जिही गल्लां होणियां, ते जिस तरह हर हफ्ते साडे नाल जुड़दे है फ्रॉम डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज डॉक्टर नीलेश सोनी। डॉक्टर सोनी, तुहाडा प्रोग्राम दे विच एक बारी फिर स्वागत। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल टू ऑल व्यूअर्स। जी डॉक्टर सोनी, आप बहुत आप कह सकते हैं वैरायटी ऑफ टॉपिक्स कवर किए हैं। तुहाडी जो फर्म हैगी, तुहाडी प्रैक्टिस वक वक लोकेशंस विच न्यूयॉर्क विच, तुसी लोकां नू फिजिकल थेरेपी दे नाल ऑल मैनर ऑफ प्रॉब्लम्स दा ट्रीटमेंट ते काफ़ी बारी क्योर भी करदे हो। आप शुरुआत कीती सी कोविड रीहैब नू लैके, आपां कुछ मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड बारे दस्या, जिस तरह लोकां दे मसल्स लिगमेंट्स विच कुछ प्रॉब्लम्स हो जांदी, तुसी रियल टाइम विच उहनां नू वेख के दस सकदे हो कि की ट्रीटमेंट या की उहनां नू इलाज चाहीदा उस चीज़ नू फिक्स करन लई। बट अज आपां इक इहो जी गल करनी है जो मैं सोचांगी भावें तुहाडी स्पैशलिटी अपने बुजुर्ग क्लाइंट्स नाल जेरियाट्रिक मेडिसिन दे विच हैगी, इह जो टॉपिक है ये हर एक बंदे नू कदी ना कदी जरूर महसूस हुंदा है। मैं कहां कि जो अपने नौजवान है कि उन्हां नू भी फील हुंदा है कि कदी कदी तुहाडी कमर विच खास करके रीढ़ की जो हड्डी हैगी उहदे विच तुहानू इहो जी भावें वह दर्द होए या कुछ इशूज़ फेस होंगे। सो अज आपां गल करांगे इस टॉपिक ते जो स्पाइन पेन आपां कह सकते हैं उहदे बारे। तुसी इस प्रैक्टिस विच किन्ने सदियां तो कम कर रहे हो, मैं तुहानू ऑफकोर्स पहले वेलकम करना चाहती हूँ, बट ये पूछना चाहती हाँ जो ये रीढ़ की हड्डी की पेन होंगी है कितनी कॉमन है तुम्हारी प्रैक्टिस में? सो अश्मिता, I'm glad that I'm a part of this program. And so spine pain may common pain and back pain. So you can have back pain, thoracic pain or neck pain. Lekin hamari community mein it is very prevalent. People of all ages, as you were mentioning, people as young as 20s, you know, in their 20s, when they are sitting for a long time, or they are driving a car for a long time, or they are into industry where they have to lift, jaise wajan chakna ho, to us sab wajah se bahut sare hamari community mein bahut sare logo ko back pain hota hai. यहाँ का यूएस का जो रिसर्च है उसमें कहते हैं कि 3 out of 4 पीपल, 3-4 में से 3 लोगों को उनके लाइफ टाइम में सिग्निफिकेंट बैक पेन होगा, इतना कि उनको अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो स्पाइन पेन इज कॉमन एंड देर आर मेनी रीजंस फॉर इट, बहुत सारे उसकी वजह है और हम थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे प्रैक्टिस में, हमारी कम्युनिटी में से मैं आई थिंक मोर देन 60% ऑफ आवर प्रैक्टिस इज स्पाइन। अच्छा जी। तो जैसे कि हम हर उसके बोलो के 100 मरीज देखते हैं, उसमें से 60 के करीब और 60 के ऊपर ही स्पाइन पेन के मरीज होते हैं। एंड वी हैव एक्सपर्टेड मींस वी हैव डेवलप्ड एक्सपर्टीज इन डीलिंग विद स्पाइन पेन। और उसमें भी स्पाइन पेन में भी जैसे बता रहा था कि 2/3 ऑफ दोस पेशेंट्स आर लोअर बैक पेन एंड दैट इज वेरी कॉमन। तो जैसे बता रहा था हमारी कम्युनिटी में कौन से लोग हैं, तो लाइक पीपल हु आर इन कंस्ट्रक्शन, पीपल हु आर इन ट्रांसपोर्टेशन, पीपल हु आर इन आईटी फील्ड, और जो इवन बच्चे जो बहुत देर तक बैठ कर पढ़ाई करते हैं तो उनको भी ये स्पाइन पेन होता है। जी डॉक्टर सोनी, मैं तो ये भी पूछना चाहती हाँ, आई थिंक जिते फिजिकल थेरेपी की गल आती है तुम सू बारे जरूर दस सकते हो। जो जिस तरह तुम कि किन्ने ज़्यादा मरीज अपने बैक पेन के कारण थोड़े को आते हैं, बट बैक पेन वर्सिज जो थोड़ी गर्दन की दर्द होंगी वो भी काफ़ी लोगों को होंगी। एंड आई थिंक तुम ये बड़ी वधिया पॉइंट नोट किया कि जो साडा अजकल का लाइफ स्टाइल हैगा, तुम बैक
ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਗੇਮਸ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਯੂ ਨੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਆ ਬਟ ਬੈਕ ਪੇਨ ਵਰਸਿਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੈਕ ਪੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ तो बहुत सारी वजह है लेकिन आज की डिस्कशन के लिए हम वो जो लाइफस्टाइल और जो कॉमन सेंस थिंग्स जो अफेक्ट करती है और उसको कैसे कम किया जाए वो हम डिस्कस करेंगे। एक तो है कि जैसे लंबे समय तक बैठे रहना, तो हम उठते हैं फिर चाय पे चर्चा होता है टेबल पर तो बैठे होते हैं, फिर ड्राइव करते बैठ कर ड्राइव करते हैं, फिर काम पर आते कुछ भी काम करते अगल करते बैठ कर करते हैं, शाम को घर आते वही बैठ, सो बैठना 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 बैठना, सो दैट्स व्हाई द लंबर स्पाइन और लोअर बैक गेट्स फिजिकल प्रेशर, पर फिजिकल प्रेशर ज्यादा गिरता है। दूसरा, अगर आप अपनी स्पाइन को एनालाइज करो तो आपकी गर्दन यू नो थोड़ा आपके सर का वजन उठाती है, फिर मिडल ऑफ योर स्पाइन हैज ए थोरैसिक केज, जैसे कि जो चेस्ट का जो केज होता है, रिब केज होता है, उसका सपोर्ट होता है, और सबसे लोअर एंड जिसको सेक्रल स्पाइन बोलते हैं उसको पेल्विस का सपोर्ट होता है, एक लंबर स्पाइन है जिसको कहीं सपोर्ट नहीं है और ज्यादा मूवमेंट है, ज्यादा प्रेशर है, इसी वजह से लंबर स्पाइन इज द कॉमनेस्ट एरिया एंड इट्स द हार्डेस्ट हिट एरिया। जी जी, जो तुसी लंबर स्पाइन कहंदे हो ओदा मतलब जो तुहाडी कमर मतलब लोअर बैक दा एरिया हैगा, राइट? ओके, गुड टू नो। डॉक्टर ऑफ कोर्स हुन मैं पर्सनल तौर ते नहीं पूछ रही बट आई एम श्योर लोग ये वंडर कर रहे होने जो ये बैक पेन है कि खास करके लोअर बैक दी, ये उम्र दे नाल हुंदी है या किसी नू भी लाइफस्टाइल करके हुंदी है, लाइक की इहदा कारण है? उम्र या किसी दी एज इस चीज दे नाल किन्नी कनेक्टेड है? So, I think I'll answer it in a way कि वो habit form में जो habit से होता है, जो आपकी habits आप develop करते हो, तो आपको कम उम्र में भी वो दर्द हो सकता है, but definitely aging can give you more pain. तो anybody who's over 40, उनको क्या होता है कि with age there is something called deconditioning. और सिंपल लैंग्वेज में आपके मसल्स जितने पहले स्ट्रॉन्ग थे वो हौले 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 वीक होते जा रहे हैं। ऐसे बता रहे हैं कि रिसर्चर्स के एवरी 10 इयर्स, हर 10 साल आपकी मसल स्ट्रेंथ 10% कम होती है, अगर आपने कुछ कंक्रीट, कुछ अच्छा, कुछ फोकस्ड एक्सरसाइज नहीं किया तो। सो यू आर एट पीक ऑफ योर सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ राइट नाउ, बट इन द पीपल इन माई एज कैटेगरी we are already on the downward trend if we don't put any effort. So the not so good news is we lose strength every 10 years. The har 10 saal 10% muscle strength lose karte hain, aur wo sab muscles mein spine ke muscles bhi hote hain. But the good news is agar aap thoda sa bhi focus karo aur appropriate exercise seekho to aapki spine ki strength, aap even buzurg log bhi apni spine ki strength achhi rakh sakte hain. जी, एंड इत्थे ऑफ कोर्स मैं जरूर पूछना चाहूँगी जो तुहाडी फैसिलिटी है डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज, तुहाडी लोकेशंस वंस अगेन न्यूयॉर्क के वख-वख एरियाज़ विच हन, खास करके क्वींस, रिचमंड हिल, ग्लेन ओक्स, जिथे साडी कम्युनिटी बहुत आबादी नाल बसी हुई है, उत्थे अगर आपां डायनामिक फिजिकल थेरेपी सर्विसेज की गल करते हैं, तुसी किस तरह इस खास करके इस इशू नू, बैक पेन नू, लोअर बैक पेन नू, तुसी किस तरह वखरे तौर ते ट्रीट कर रहे हो? हाँ, तो देयर आर फ्यू थिंग्स, कोई भी हमारा अभी जो जो दर्शक है, जो भी अगर ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो सोचेंगे फिजिकल थेरेपी में जाकर आप थोड़ा लेटो, थोड़ा मसाज कराओ और थोड़ा अच्छा लगेगा। सही है, वो आपको थोड़ा टेम्पररी हेल्प करता है, लेकिन द की टू गेटिंग बेटर इज टू हैव ए राइट एक्सरसाइज प्रोग्राम विच विल अलाइन योर स्पाइन बेटर, आपकी स्पाइन को अलाइन अच्छी तरह करे और आपकी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करे। तो पहले तो हम डिटेल स्पाइन का इवेल्युएशन करते हैं, जिसमें आपकी आपकी पॉस्चर, आपका जो नेक है, आपका बैक है, आपका पेल्विस है, आप एक दूसरे को कैसे रिलेट करते हैं वो देखते हैं, एंड देन वी डेवलप ए वेरी स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल आपके लिए ही। सो वो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल ऐसा नहीं है कि आप यू नो जस्ट जनरल कुकी कटर सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज करो,
वो जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज जस्ट मेंट फॉर योर स्पाइन तो वो करते हैं, और दूसरा स्पाइन को ट्रीट करने के लिए वी हैव मैनुअल थेरेपिस्ट जो हमारी फील्ड में बोलते हैं MCMT, सो इन शॉर्ट दे हैव डन मास्टरी सर्टिफिकेशन इन मैनुअल थेरेपी. यानी कि फिजिकल थेरेपी की डिग्री के अलावा दे वेंट फॉर दिस स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू ट्रीट स्पाइन. So that is for at an advantage for our patients. Okay. Besides just getting routine physical therapy treatment. Yeah, and मैं तो ज़रूर ये भी आप कह सकते हैं disclaimer कहना चाहूँगी कि तुम्हें lower back pain है. Of course तुसी जाके Google ते कह सकते हो lower back pain, you know, exercises. Right. But इतने फर्क ये हैगा कि तुम्हारी lower back pain ते तुम्हें होर की unique चीज़ें हैगियाँ ताकि तुसी उस चीज़ नू treat करो ताकि होर कुछ होर ना affect होए, right? And that's kind of where जो तुम्हारी expert या जिस तरह तुसी कहे जो specialists हैगे इस चीज़ नू पॉजिटिव तरीके नाल इंपैक्ट करते. डॉक्टर किन्नी सक्सेसफुल तुहाडी प्रैक्टिस रही है इस खास करके इस एलिमेंट नू ट्रीट करन लई? सो अश्मिता आप कह रहे थे कि दर्शक गूगल करते हैं, तो आई विल इनवाइट अवर व्यूअर्स टू गो एंड गूगल दैट. आपके एरिया में जाइएगा जैसे फ्लशिंग है या ग्लेनोक्स है, आप बोलेगा बेस्ट फिजिकल थेरेपी फॉर बैक पेन, ऐसे खुद गूगल करेगा और देखिएगा हमारा इंफॉर्मेशन आता है कि नहीं. आई एम चैलेंजिंग ऑल द व्यूअर्स दैट 9 out of 10 टाइम्स आपको हमारे बारे में, हमने सक्सेसफुली कितने पेशेंट्स ट्रीट किए उसके बारे में आपको ऐसे पब्लिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. आई एम नॉट बोस्टिंग बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम. उन्होंने मोर देन आई वुड से मोर देन 5000 पेशेंट्स इजीली, मोर देन 5000 स्पाइन पेशेंट्स हमारे न्यूयॉर्क एरिया में उनको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा किया हुआ है. एंड दैट इन्वॉल्व्स अ फ्यू डॉक्टर्स टू हमारे ट्रीटमेंट के लिए. सी वी ट्रीट एवरीबॉडी इक्वली, चाहे आप यू नो हाउसवाइफ हो या आप executive हो या आप truck driver हो या आप doctor हो, we treat everybody with the same passion. But when a doctor puts trust in another doctor for treatment, you know, आपको पता है doctor लोग हम लोग it's difficult for us to you know choose anybody for our own treatment because we are in the field, right? So means we have more than 100. I would say more than 100 doctors we have treated successfully for spine pain in New York. And of course, ithe ek apa video bhi laake aaye haan lokan nu from a patient, right? Unhan da jo experience reha hai is bimari naal, is ailment de naal, in kis tarah treatment reha. So main zarur darshakan naal share karna chahangi ek patient testimonial is cheez nu laake. Hello. Hello, sir. Hi, I am Dr. Rohit Patel. I came to Dynamic Physical Therapy Center of Dr. Soni's for a pain in my back. Now my pain was so bad when I came here. It was on my low back, and the moment I would start walking, the pain appeared. And barely 10 minutes I could walk. I could not even stand for more than 10 minutes at a given time. After about 7 or 8 sittings with Pallavi and others at the center, I had to go to Alaska for my pre-planned tour, where my daughter forced me to go on a trek where I walked 6 miles in 2.5 hours. It was a treacherous walk in the woods involving climbing down, and I had no pain. It was to my surprise that I had absolutely no pain. And when I came back, I talked to Dr. Soni also about this, and my confidence was back. And when I came here, I almost thought that my career as a trekking and hiking was over, but everything was back with me. At present, I have absolutely no pain.
no pain. And the atmosphere in this dynamic physical therapy is so good. You almost feel like home. There is no tension. Everybody is so friendly. And the moment you come in, you are immediately taken in, and the therapy starts. I strongly recommend anybody who is having any sort of pain and requiring physical therapy to Dr. Nilesh Soni's dynamic physical therapy. Thank you. So ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਅਲ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਊਅਰਸ ਕਾਲਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ ਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇਰਾ ਜੀ ਜੋ ਸਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਟਿਪਸ ਕੀ ਸੁਝਾਵ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ मैं कह रहा था कि ऑफ कोर्स उनको मैं ये सुझाव दूंगा कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करेगा और आपकी जो कंप्लेंट है वो आप शॉर्ट में हमें बता दीजिएगा वी विल असेस यू ऑन अ कर्टेसी बेसिस एंड गिव यू एन आइडिया कि आपको और क्या हम और क्या कर सकते हैं आपके दर्द के लिए एक ये बात दूसरी गल ये है कि अगर आपका बैक पेन आपको बैक पेन शुरू हो गया हो और आप आपने कुछ चीज उठाई नहीं हो आपको एक्सीडेंट नहीं हुआ हो या आपने कुछ आपको चोट नहीं लगी हो अचानक ही बैक पेन शुरू हो गया है और सो यू आर यूजुअली लोग क्या करते हैं कि घर पर रेस्ट करते हैं और दे टेक ए हॉट वाटर शावर एंड यू नो सॉर्ट ऑफ घरगत्तू जो इलाज होते हैं वो करते हैं अगर वो दो या तीन दिन में अच्छा नहीं हो देन यू टेक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स हमारी कम्युनिटी में क्या होता है कि लोग ज्यादातर बहुत वेट कर लेते हैं वो सोचते हैं कि कुछ है नहीं अपने आप चला जाएगा और वो चीज जाती नहीं और ज्यादा बिगड़ती है तो एज ए रूल ऑफ थंब तीन दिन के अंदर आपको अगर कोई भी वजह बिना बैक पेन हो रहा है और वो रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आप प्रोफेशनल की हेल्प लीजिएगा वो पहली आपको टिप है दूसरा आप जब भी आपको बैक पेन हो तो आप जैसे कि अपनी लास्ट 24 आवर्स की फिल्म बैठकर मेंटली रिवाइंड करिएगा आप देखिएगा आपने लास्ट 24 आवर्स में क्या क्या किया कुछ अलग किया जैसे कि मैं कह रहा हूँ मैं वीकेंड में गया बोला मैं ऐसे जनरली बाइकिंग नहीं करता हूँ और वीकेंड में 18 माइल मैंने बाइकिंग कर ली बच्चों के साथ हमें पता ही नहीं चला और फिर घर आकर नॉर्मल जो करना था वो किया दूसरे दिन उठा बोला बैक पेन हो गया तो मैंने तो कुछ नहीं किया था बट नो इट नॉट आई डिड नॉट डू एनीथिंग आई डिड एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी फॉर विच मेरा बॉडी तैयार नहीं था तो आप रिवाइंड करके देखिएगा लास्ट 24 आवर्स में आपने क्या फिजिकली डिफरेंट किया और तीसरा आप बने तो यू नो ऑफकोर्स हम इंडिया से हैं और हमारा यही सॉर्ट ऑफ अप्रोच है कि हम दवाइयां नहीं खाते हैं ज्यादा दवाइयां अवॉइड करते हैं तो आई एम विथ यू आई डू नॉट वांट यू टू टेक मेडिकेशंस बट फिजिकल थेरेपी में एवरीथिंग इज डन बाय नेचुरल मींस बाय फिजिकल मींस यानी कि आपको जो मशीन लगाएंगे वो भी फिजिकल है जैसे क्लिनिकल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं आईएफसी और इंटरपर्शनल करंट बोलते हैं या आपको मैनुअल थेरेपी मिलती है या आपको थोड़ी स्ट्रेचिंग देते हैं वो एवरीथिंग इज गियर्ड टुवर्ड्स नॉट टेकिंग मेडिकेशन सो डोंट शाय अवे फ्रॉम गेटिंग हेल्प फास्ट हेलो सत श्री अकाल जी दसो हाँ जी मैं हरभजन बोल रही हूँ जी जी मेरिया मैं डॉक्टर होना नु पूछना है भी मेरियां लत्तां बहुत ज्यादा ना अजीब जिहा तड़फा लगदा लत्तां नु पता नहीं की गल आ
ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੜਫਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ 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 ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਨਾ ਕਰਨੇ ਕਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਪਾਈਨ ਅਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੀਹੈਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। तो लेट मी जस्ट वो जो लास्ट व्यूअर थे उनके बारे में बताना एक मिनट के लिए कि उनका जो दर्द पैर में आता है, कभी कभार आपकी नस दबने से भी, आपकी कमर में नस दबने से आपको पैर में दर्द आता है, तो इट्स इम्पोर्टेंट टू गेट चेक। और हम ये इन द कमिंग वीक्स हम हमारे दर्शकों के लिए ये लंबर स्पाइन रिहैब प्रोग्राम इन डिटेल्स आपको हम दिखाएंगे। ये 5 वीक के लिए ये प्रोग्राम है और बेसिकली हम हर हफ्ते आपकी बैक को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि विद इन 4 to 5 weeks यू कम अप टू रिस्टोरिंग नॉर्मलसी टू योर बैक। तो पहले हफ्ते में आपका दर्द कम करने का कोशिश करेंगे, दूसरे में उसके दर्द के अलावा आपकी स्ट्रेचिंग और कोर स्ट्रेंथ बढ़ाने का कोशिश करेंगे, तीसरे हफ्ते में आपकी ताकत बढ़े वैसा करेंगे, चौथे हफ्ते में ताकत के साथ आपका जो एंड्योरेंस है, कोई भी एक्टिविटी लंबे समय तक करने की आपकी क्षमता है उसकी हम क्षमता बढ़ाएंगे, और पांचवे हफ्ते में जो रीअसिमिलेटिंग एक्टिविटी जैसे कम्युनिटी एक्टिविटी होती है जी, वो आपको करने में आपको मदद जी, करेंगे। जी, तो, जी सॉरी डॉक्टर सोनी, समा साढ़े को ज़्यादा नहीं रह गया, बट गुड न्यूज़ इतने ये है कि जो ये तुहाडा 5 वीक रीहैब प्रोग्राम हैगा ये थोड़े जे टीजर्स थोड़े जे टिप्स अपा व्यूअर्स दे नाल इस प्रोग्राम ते लगातार अगले 4 हफ्तियां दे विच शेयर भी करांगे लाइव हर ट्यूजडे 7 PM शार्प। तुसी साडे नाल जुड़ के लोगों नूं दसना कि किस तरह तुसी अगर तुहानूं रीढ़ दी हड्डी या बैक तुहाडी पिठ दे थले वाले पोर्शन या किसी भी थले तुहाडी पिठ दी तुहानूं दर्द हो रहा है महसूस हो रहा है फिजिकल थैरेपी दे नाल तुसी किस on she's to fix kar sakte ho। Dr. Sony, thank you for joining us, we'll see you next week 7 pm eastern sharp only on Just Punjabi, you have a good rest of your week। Baki darshakan nu main dasna chahndi ha ki tusi sanu bhi likh sakde ho koi tode sawal is program nu leke ya is tarah di medical services nu leke info@justbroadcasting.com ashmita@justbroadcasting.com hun minute ho ijazat sat shri akal।